कि इनके पैर में गोबर लग गया, मुझे भी लगवानी थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ब्लॉग्स 777। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को तीज की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वैसे तो तीज कल है, मैंने सोचा कि आज मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। एक हाथ में तो मैं लगा लूँगी और दूसरे में हो सका तो मैं शाम तक लगाऊंगी, क्योंकि कल तो नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ और वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो के साथ बने रहें, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो गाइस, ये दूध और छुआरा है जिसे मैंने पका लिया है, इसे मैं सुबह भोर में उठ के खाती हूँ। पर मैं अपने एक हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ, मैंने सोचा एक हाथ में लगा लेते हैं और दूसरे में नेहा की सिस्टर आएंगी, वो लगा देंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरा काम। ये वो मेहंदी है जो मैंने लगाई है रितेश की दुल्हनिया, और दूसरे में नेहा की सिस्टर लगाई हैं जो कि बहुत ही प्यारी है। तो गाइस, मेरे दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी है और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सो लूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मेहंदी लगवाते लगवाते मैं थक चुकी हूँ। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं मेहंदी लगा के सो गई थी। एक्चुअली एक में तो मैंने लगा लिया और आगे मैंने लगाया, पीछे नेहा के सिस्टर ने लगाया है और इस वाले में भी नेहा के सिस्टर ने लगाया है। देख सकते हैं कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है उसने। और अभी तो 9 बज रहे हैं, अभी हमें मार्केट से कुछ सामान लेना है। मैंने बताया था ना कि मेरा कुछ सामान रह गया है, तो वही हम लोग लेने जा रहे हैं। फ्रेंड, हम लोग मार्केट आ चुके हैं और मार्केट में आधे ज़्यादा दुकानें तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी। तो रितेश जी को कुछ सामान लेना था तो मुझे एक जगह खड़ा कर दिए थे और वो गए हैं सामान लेने के लिए। हाँ, ये अच्छा तो हमारा सारा सामान हो चुका है। हम लोग अब काफ़ी थक चुके हैं, लेकिन थोड़ा जूस पी लिया जाए, तो हम लोग जूस पीने के लिए जा रहे हैं। और वैसे देखते हैं कि एक मार्केट है यहाँ पे, वहाँ से मुझे कुछ काम है, देख लेते हैं अगर कुछ दुकानें खुली होंगी तो मैं वो भी ले लूँगी। हम देख सकते हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ से लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी मेहंदी लग रही है, साइड में कुछ दुकानें खुली हुई हैं। मुझे भी लगवानी थी। हाँ, लगवानी तो थी। मतलब जितनी भी दुकान है सब जगह लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। आधा शॉप तो पूरा बंद हो चुका है, लेकिन सही है, शाम को तो काफ़ी भीड़ थी। पकड़ाइए, आपको कुछ नहीं लेना है ना?
गाइस देख सकते हैं कि इनके पैर में गोबर लग गया। थोड़ा उधर पानी, पानी में साफ करेंगे क्या? एंड ये है मेरा श्रृंगार का सामान और ये है कुछ पूजा का सामान और कुछ सामान मैंने मंदिर में रख दिया है। वैसे तो हम लोग घर पे आ चुके हैं, हम लोगों को 10 मिनट हो गया है और मार्केट में आधी तो दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो लेडीज का मार्केट था वहाँ तो पूरी भीड़ थी। हम लोगों को निकलते निकलते 9:30 बज गया था। एक्चुअली वहाँ पे जब मेहंदी लगवा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिलहाल मेरा भी बाहर लगवाने का प्लान था, लेकिन ये बोले कि मैं बाहर लेके नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं घर पर ही लगा लेती हूँ। और पता है गाइस क्या हुआ, अभी जब हम लोग जा रहे थे तो एक जगह काम था तो इन्होंने बाइक रोका और इन्होंने देखा नहीं, इनका पैर जो है वो गोबर में चला गया और मुझे इतनी हंसी आने लगी। तभी कह रहे कि मतलब तुम कितनी ज़्यादा हंसी क्यों आने लगी वहाँ पे, नॉर्मल सी बात है, किसी का पैर गोबर में चला जाएगा तो हंसी तो आएगी, अभी मेरा जाता तो आपको हंसी ना आती। हाँ चलो चलो, तो गाइज जो आगे का वीडियो है वो मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। और फ्रेंड अभी तो हम खाना वाना खा के सो जाएंगे क्योंकि सुबह भोर में उठना रहता है दिन निकलने से पहले। तो आगे का जो भी मेरा 30 का ब्लॉग होगा वो आप देखना मिस ना करें, जो भी मेरा लुक होगा, जो भी मेरा मेकअप होगा, वैसे बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ मैं सब कुछ, तो आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और जो भी आगे का वीडियो होगा उसे आप देखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।